श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक और कहानी। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने निकलते हैं। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि अगर आपकी अनुमति है तो आपसे एक प्रश्न पूछूं। कृष्ण कहते हैं बेझिझक बिल्कुल पूछें। अर्जुन पूछते हैं क्यों कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा गया है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इसका मैं जवाब तुम्हें दूंगा नहीं, दिखाऊंगा। कृष्ण अर्जुन को उस पहाड़ी के पास ले जाते हैं जिसमें अखूट सोना होता है, कभी ना खत्म होने वाला, और कहते हैं हे अर्जुन, इस गांव के सारे लोगों को बुलाकर ले आओ और उनमें ये सोना बांट दो। अर्जुन गांव वालों को बुलाकर ले आते हैं और कहते हैं कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम सब में सोना बांटने जा रहा हूं। उनको सोना मिलने से पहले वो सारे के सारे अर्जुन की जय जयकार करने लग जाते हैं। अर्जुन हर किसी को सोना बांटते हुए, उनके अंदर जो बसा हुआ था अभिमान, उसका गुब्बारा ऊपर हवा में उठने लगता है। 2 दिन तक अर्जुन उस पहाड़ से सोना निकालते रहते हैं, लोगों में बांटते रहते हैं, और लोग अपने घर पर जाकर सोना को रख के वापस लाइन में लग जाते हैं। अर्जुन की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी कि दूसरे दिन रात तक में वो बुरी तरह से थक चुके थे। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं बस अब तुम रहने दो, आराम करो। और इसी समय कृष्ण कर्ण के लिए बुलावा भेजते हैं। कर्ण जब आते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि बस तुम्हें इतना ही करना है कि इस पहाड़ में जितना सोना है वो इन गांव वालों में बांट देना है। कर्ण भी वही करते हैं कि गांव के सारे लोगों को एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि इस पहाड़ में अखूट सोना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार सोना ले लीजिए। और कर्ण वहां से चलते बनते हैं, वहां से चले जाते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि देखा, मैंने जब तुमसे कहा अर्जुन कि ये सोना बांटना है तो तुमने लोगों को एक लाइन में खड़ा किया, उनकी जरूरत उनकी आवश्यकता खुद समझे और फिर अपने हाथों से दान करने लगे, दान का पुण्य कमाने के लिए, वाह वाह सुनने के लिए, जय जयकार सुनने के लिए। जब वही काम मैंने कर्ण को दिया तो वो यहां रुके तक नहीं, वाह वाह सुनने में कोई रुचि नहीं थी, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं इस पर उनका ध्यान ही नहीं था। अर्थात दान करते हुए अगर वाहवाही की इच्छा हम में आ जाती है, वो दान डील में तब्दील हो जाता है। दान करो तो ऐसे, किसी प्रकार की अपेक्षा के बिना। या तो लोग भी दान इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स फाइल करते टाइम पे फायदा मिलता है। इससे मुझे याद आया कि एक राजा ने अपने बेटे से कहा था, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं ना तो बेटा मुझे ये पुराने मोजे पहना देना। बेटे ने कहा, पिताजी आप राजा हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और ये पुराने मोजे मैं आपको क्यों पहनाऊं जिसमें छेद हैं? राजा कहता है कि ये मेरी आखिरी अंतिम इच्छा है बेटा, नहीं मानोगे? जब राजा दुनिया से चले जाते हैं तो बेटा पंडित के साथ बहस में उतर आता है और कहता है कि मेरे पिताजी को जाते हुए ये मोजे पहना दीजिए। पंडित कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, सफेद चोले में ही जाना पड़ता है हर किसी को हमारे शास्त्रों के हिसाब से। बेटा फिर जिद करने लग जाता है और शहर भर के सारे पंडित वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये पुराने मोजे हम तुम्हारे पिताजी को नहीं पहना सकते। इतने में एक अनजान इंसान चिट्ठी लेकर आता है और राजा के बेटे के हाथ में रख देता है, जिसमें पिताजी के अक्षरों में, राजा के अक्षरों में लिखा होता है, देखा बेटा, राजा हो या रंक, इस दुनिया से कोई पुराने फटे हुए मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। अर्थात तभी तो कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग चलेगा, बाकी सारा जंग लगेगा। किसी भूखे इंसान को एक रोटी का दान कर, आखिर कब तक है इंसान मंदिर और मस्जिद को दान करके अमीर बनाते रहोगे? अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो रोज सुबह 7 बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा ओनली ऑन 94.3 माय एफएम। केम छो सारू छे इंडिया आखुए भारत आखुए भारत आखुए आचनक योर से।